हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब ब्लॉग में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज का वीडियो है मेरा कुकिंग से रिलेटिव। एक छोटी सी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ जो कि बच्चों के लिए और बड़ों के लिए दोनों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो आइए जानते हैं, आइए देखते हैं रेसिपी की कि वो क्या रेसिपी है और उसको किस तरह से कुकिंग की जाती है। तो दोस्तों, मैं बना रही हूँ यहाँ पे न्यूट्रिला सोया ग्रेन्यूल्स, सोया बड़ी चूरा भी इसको बोलते हैं। आप ये किसी भी ग्रोसरी शॉप से ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने इसको भिगो दिया है, 10 से 15 मिनट के लिए इसको भिगा दें। जब तक ये भीगें तब तक भीग जाएंगे, तब तक मसाला कट कर लें। यहाँ पे मैंने ले ली प्याज, हरी हरा धनिया, टमाटर और लहसुन अदरक का पेस्ट पेस्ट चाहे आप बनाएं या फिर उसको कद्दूकस कर लें इस तरह से। हरी मिर्च ले लें और यहाँ पे ले मटर ले लिए मैंने एक बाउल में। तो इनको जो भी ये सोया ग्रेन्यूल्स था मेरा, ये ऑब्जर्व हो गया है पानी में, तो इसका पानी जो है इसको निकाल दें किसी छन्नी की हेल्प से। तो इसका पूरा पूरा इसको ड्राई ना करें, हल्का इसको गीला रहने दें। और यहाँ पे मैंने ले लिया है एक पैन, पैन में मैं लूँगी ऑयल, मैं डालूँगी ऑयल। तो ऑयल आप किसी भी कोई भी ले सकते हैं जो आप घर पे यूज़ करें, सरसों ऑयल हो या फिर रिफाइंड ऑयल हो। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ सरसों ऑयल क्योंकि मैं डेली वही यूज़ करती हूँ सरसों का। तो इसमें मैं डालूँगी जीरा। जीरा डालने के बाद यहाँ पे मेरी प्याज डल गई। प्याज को मैं हल्का ब्राउन होने दूँगी। यहाँ पे प्याज मेरी ब्राउन हो रही है जब तक, तो मैं इसमें अब डाल दूँगी अदरक और लहसुन का जो कद्दूकस करके जो मैंने बनाया हुआ था, तो वो मैंने यहाँ पे डाल दिया। इसको भी मैं प्याज के साथ अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। जब तक ये दोनों मिक्स हो जाते हैं तब तक मैं डाल देती हूँ इसमें मेरी जो जो मैंने काट रखी थी धनिया। धनिया पत्ता अभी डालने से थोड़ा सा जो सोया बड़ी का चूरा है उसका जो कलर है और फिर या जो उसका टेस्ट है वो काफ़ी अच्छा हो जाता है। तो ये तीनों डालने के बाद अब मैं डालती हूँ इसमें टमाटर, जो कटी हुई टमाटर थी मैंने वो सारी इसमें डाल दी। तो अब यहाँ पे मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। और इसमें आप बीन्स और गाजर जिसको जो अच्छा लगे तो वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। काफ़ी प्रोटीन से भरी हुई सब्जी है ये, बच्चों के लिए बड़ों के लिए। और यहाँ पे टमाटर को अच्छे से मेल्ट करने के लिए मैंने पहले डाल दिया नमक। नमक डालने से टमाटर प्याज जो भी है अच्छे से मिक्स भी हो जाएगा और साथ में मेल्ट भी दोनों सब कुछ हो जाएगा। तो ये जब तक इसमें मैंने नमक डाल दिया। नमक डालने के बाद मैं इसको थोड़ी देर के लिए पैन को बंद कर दूंगी, इसका कवर कर दूंगी इसको 5 5 मिनट के लिए। जब मेरी टमाटर और प्याज दोनों अच्छे से मेल्ट हो जाएं तो इसमें मैं ये ग्रेन्यूल्स डाल दूंगी। और इसको डालने के बाद मैं फिर इसको अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। पूरा मसाला जो भी टमाटर और प्याज का जो मेरा मसाला है इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं इसको जो भी इसमें पानी आ जाता है उसको अच्छे से ड्राई कर लें। अब यहाँ पे आप डाल लें मसाला। मसाले में आप जो भी अपने घर पे यूज़ करते हैं, हल्दी पाउडर हो और धनिया पाउडर, लाल मिर्च और यहाँ पे सब्जी मसाला जो भी आप डालते हैं। कोई गरम मसाला यूज़ करता है, मैं गरम मसाला यूज़ नहीं करती हूँ घर पे। तो मैंने अपने जो भी मसाले थे वो ऐड कर लिए हैं इसमें। और साथ ही मैंने इसमें मटर भी ऐड कर दी, तो ये मेरी मटर ऐड हो गई है। और इसको अच्छे से मिक्स कर लें ताकि जितनी भी चीज़ें हमने ये सब डाली हैं तो ये अच्छे से मिक्स हो जाएं। तो इन सबको वेल मिक्स करने के लिए हम एक बार फिर से इसको कवर कर लेते हैं। 5 से 7 मिनट के लिए इसको हम फिर से कवर कर देते हैं। तो आइए देखते हैं, हमारा सोया ग्रेन्यूल्स रेडी हो गया है। तो इसको हम इस तरह से एक बाउल में निकाल लेंगे और ऊपर तो यहाँ पे डल गया है। डाल देंगे ऐसे कटा हुआ धनिया, और धनिया डालने के बाद इसको मिक्स करके इसको हम सर्व कर लेंगे ब्रेकफास्ट में। तो यहाँ पे हमारा एक हेल्दी ब्रेकफास्ट रेडी हो गया है ये। तो गाइज, ये थी आज की मेरी रेसिपी और बहुत ही प्रोटीन से भरपूर ये रेसिपी है जो कि बच्चे बड़े सभी लोग अपने खाने में यूज़ कर सकते हैं। आप अपने ब्रेकफास्ट में, लंच, डिनर, आप कभी भी इसे अपने किचन में कुकिंग कीजिए इसमें। और बहुत ही फ़ायदेमंद है ये, जो बच्चे सब्जी नहीं खाते हैं, जो सब्जी खाना पसंद नहीं करते, तो वो भी ज़रूर इस सब्जी को खाएंगे। तो कैसा लगा मेरा आज का ये वीडियो, कुकिंग का वीडियो?
अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं ऐसी नई नई वीडियोस के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।